बुलाना चाहूँगी मिस्टर इमरान अकरम, हु इज़ द जनरल मैनेजर एंड द सीनियर आर्किटेक्ट ऑफ कैपिटल स्मॉल। ही इज एसोसिएटेड विद द कंपनी फॉर लास्ट 8 years एंड हैविंग अ टोटल एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड ऑफ 12 आज मैं आपको जो वन कैपिटल जैसा ऑलरेडी मलिक हसन साहब और डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, मैं उसके बारे में आपको टेक्निकल ब्रीफिंग दूंगा अपने प्रोजेक्ट की। वन कैपिटल रेजिडेंस मोर देन जस्ट एन अपार्टमेंट, यूनिक मोर देन More than just an apartment, unique and a distinct living. It's not only an apartment project, ये बल्कि हम एक लाइफ स्टाइल लेके आ रहे हैं आपके लिए जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे डिज़ाइन किया गया है। और इसका जो आर्किटेक्ट है वो हमारे स्पेनिश आर्किटेक्ट है आर्किव्यू डैनियल फ्रेल, जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। एंड वी स्पेंड अराउंड 1.5 ईयर इट्स डिज़ाइनिंग। दिस प्रोजेक्ट इज इंस्पायर्ड बाई द आर्ट एंड द नेचर ऑफ मार्गला हिल्स के, जो इसके जो कंटूर्स आपको मार्गला हिल्स के नज़र आ रहे हैं, जो आपको लैंडस्केप इसका प्रॉपर नज़र आ रहा है, हमने सेम वही लैंडस्केप अपना बिल्डिंग के टॉप टेरेसेस पे आपको नज़र आ रहा होगा, जो हमने इसको उधर इम्प्लीमेंट किया है। नाउ दिस इज़ द लोकेशन ऑफ वन कैपिटल रेजिडेंस। ये हमारा ओवरसीज ईस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। हमारे प्रोजेक्ट का टोटल एरिया 287 केनाल है, जिसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट जो बिल्टअप एरिया है वो 30% है और बाकी स्पेस जो 70% है वो हमने ग्रीन एरिया के लिए उसको अवेल किया हुआ है। अब मैं आपको इसका लेआउट डिटेल्स के बारे में मज़ीद कुछ डिटेल्स बताऊंगा कि वी हैव अराउंड 5 towers इन इट, जिसके रेजिडेंशियल टावर्स इसके अंदर हमारे 5 हैं, जिसके अंदर हमारे जेट ओलेंडर सिल्वर बेल एमरेड एंड द डेजी टावर आ जाते हैं। टेक्निकल ब्रीफ टू, इसके अंदर हमारे पास हर टावर के अंदर जो हमारा जेट टावर और एमरेड टावर है उसके अंदर जो हमारे अपार्टमेंट के कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हमने इस प्रोजेक्ट को डिफाइन किया, उसके अंदर हमारे पास स्टूडियो 1 bed and 2 bed अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, जबकि जो हमारा ऑरलैंडर और सिल्वर बेल टावर जो है उसके अंदर हमारा 1 bed 2 bed 3 bed एंड देन 3 bed duplex and 4 bed duplex हमारे अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट में टोटल अपार्टमेंट्स 1738 अपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में हमारे पास सर्विस अपार्टमेंट्स हैं और सर्विस ऑफिस हैं। एंड अदर देन दिस हमारे पास इसके अंदर जो किंगडम गार्डन है नर्सरी बच्चों के लिए, जो इस नर्सरी है जो कि हमारा किंगडम गार्डन और इधर की कम्युनिटी के लिए सर्व करेगी। देन उसके अलावा वी हैव अ मॉस्क इन दिस लोकेशन एंड वी हैव अ कम्युनिटी एंड वी हैव अ कम्युनिटी सेंटर ओवर हियर, जिसके अंदर हमारा रिटेल आउटलेट्स कॉफ़ी शॉप्स और हमारा शॉप एंड डाइन के सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। देन वी हैव अ लेगून एरिया, दिस एरिया इज़ द लेगून एरिया, दिस एरिया इज़ द लेगून एरिया, और इसको जब हम अपना फर्दर मार्केटिंग पॉइंट से और फर्दर आगे डिफाइन कर रहे हैं तो हमारे पास इसके अंदर दो तरह की ऑप्शन है। हमारे अपार्टमेंट्स को दो व्यूज़ मिल रहे हैं, एक लेगून व्यू और दूसरा बुलेवर्ड व्यू है। जो आउटर साइड पे हमारे आ रहे हैं वो हमारा अपार्ट बुलेवर्ड व्यू है, रोड साइड व्यू, और जो विद इन द कम्युनिटी आ रहे हैं, जो विद इन द कोर्टयार्ड और द लेगून साइड आ रहे हैं, उनका लेगून व्यू के नाम से है। नाउ वी हैव अराउंड 1738 अपार्टमेंट्स इन इट एंड वी हैव 90,000 स्क्वायर फीट वन सर्विस ऑफिस विच कंप्राइज ऑफ अराउंड 2,000 वर्किंग डेस्क इन दिस building. We have 130,000 square feet retail services
160,000 green square feet green areas, 30,000 square feet water services, and 60,000 square feet for the sport facilities, 43,000 feet footing circuit. It's around 1.75 kilometer walking track over here for the jogging and the walkways. I have a request to Ms. Madam Aruj, our senior architect who is leading this project. She will brief you about the amenities and the special features of this project. Assalamualaikum and good afternoon, good evening. Telling you about the amenities of One Capital. Actually, we are not like building just an apartment building as it was explained previously. It has a lot of facilities, like starting from luxury living and sports facilities. In luxury living, we have around more than 1,700 residences from students to three residences. Other than that, we have a community surrounded by 60,400 square feet of sport facilities, which has gyms, swimming pools, skate parks, basketball court with 1.575 kilometer walkway. Now we are also providing you a co-work facility in which Mr. Mujib Ahmed Khan already told you that what is actually a service offices. सर्विस ऑफिसेज में जैसे उन्होंने बताया कि वी आर ऑल्सो गिविंग यू अ स्पेस टू रेंट आउट एट अर्ली बेसिस, कि आप अपना एक डेस्क रेंट आउट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप अपना काम कर सकते हैं. यू डोंट नीड टू टेक दैट प्लेस फॉर मंथ और लाइक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो सर्विस ऑफिसेज का एरिया जो हमारे पास है, दैट इज़ 90,000 स्क्वेयर फीट, जिसके अंदर हमारे पास ओपन स्पेस एरियाज हैं, कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन हैं, मल्टीपल और इंडिविजुअल ऑफिसेज हैं. Now coming towards retail, leisure and entertainment. 1,31,000 square feet of area है हमारे पास retail और F&B का. Restaurants आते हैं, coffee shops हैं, food court हैं, retail shops हैं, supermarkets हैं और wellness centers हैं. Other than that, as we have already described the inspiration of this project, ये project जो है हमने nature से inspired होके किया है, जिसके हमने मार्गी हिल्स की जो कॉन्टूर्स हैं उनको उठा के अपनी स्काईलाइन को बिल्ड किया. तो उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने लैंडस्केप को ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है, एंड वी हैव टेकन केयर ऑफ ऑल द बेसिक नीड्स, बेसिक स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस जो कि इस अपार्टमेंट बिल्डिंग में होनी चाहिए. जैसे कि वी हैव सेंट्रल पार्क से लेकर रूफ गार्डन तक की इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़. We have kids playground areas, barbecue spaces, pergolas, walking paths, and which are located inside the park. But it has no cars and no vehicular access. It will be totally for the people inside living. This is the most important aspect of this whole project, which is a crystal lagoon. And this is the day view and night view of the Crystal Lagoon, and it is actually centrally located in One Capital Residence. Moving on towards the 3D renders. Thank you so much, Madam Aruj. Now I'll explain you. Now I will explain you the 3D renders and the technical details of this project. This is the entrance gate render. Next, the courtyard aerial view. The Laguna night view, Laguna view in the daytime. These are the outdoor landscape areas, rooftop swimming pool, Laguna view, terrace view, dip pool area, duplex living area of the standard apartments, bedroom, kitchen designs or the kitchens. The park designs, duplex double height area, double height entrance lobby of our each building, which is designed on international standards and a modern and the contemporary style. Gymnasium, cafe, nursery,
This nursery is for the kids, those who are living in this community. This is this serve for them, and this is as a this will serve as a kindergarten for the kids. Community center, top view. Laguna, surrounding areas. Parking views, green parking we are showing over here. Now again, the outdoor landscape. As I already told you, we have only 30% built up area and 70% green spaces in this development. Water mirror for the kids. And this is the kids play area. Warm eye view of our one of the building. This is the night view of the Laguna again. Night view. Night view of the pool area in the community center. Nursery facades as yeah, this is the kindergarten, and this nursery is designed for the kids. Restaurant, outdoor sitting area in the commercial and the community center. Restaurant, terrace sitting areas. Now I will explain you about the technical details of the towers. इसके अंदर मैं पहले शुरू करूंगा जेट टावर को, उसकी सेल किट के बारे में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं फर्दर, जैसे मुजीब साहब आपको फर्दर इसके सेल्स के बारे में बताएंगे, मैं आपको टेक्निकल डिटेल्स कुछ इस प्रोजेक्ट की बताऊंगा। दिस इज द जेट टावर ग्राउंड फ्लोर, जिसके अंदर हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट, वन बेड अपार्टमेंट एंड टू बेड अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। इसके अंदर हमारे पास ग्राउंड फ्लोर से लेकर सिक्स फ्लोर तक टिपिकल फ्लोर चल रहे हैं, एंड आफ्टर दैट जो सेवन्थ फ्लोर से लेके जो नाइन्थ फ्लोर तक है वो हमारे टेरेसेस और उसके अंदर फ्लोर चेंज फ्लोर में चेंजिंग आ रही है, जो मैं आपको फर्दर फ्लोर्स के ऊपर थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। द फर्स्ट फ्लोर, द टिपिकल फ्लोर, वी हैव सिक्स एंट्रेंसेस, डिफरेंट एंट्रेंसेस, एंड वी हैव अराउंड 12 लिफ्ट्स इन इट। वी हैव फोर, वी हैव थ्री कार्गो लिफ्ट्स एंड अराउंड नाइन we have passenger lifts. We have six emergency exits, जिसके अंदर हमने इसको फायर एंड लाइफ सेफ्टी के हिसाब से प्रॉपर डिज़ाइन किया हुआ। Now the third floor, the same, the fourth, fifth, and the sixth floor. Now on the seventh floor, our planning is going to be changed, और इसके अंदर हमारे terraces, define हो रहे हैं, जहाँ पे हमारा टेरेसेस पे डेप पूल्स आ रहे हैं, और जो हमारे जो कॉर्नर के जो प्राइम लोकेशन हमारे अपार्टमेंट्स होंगे उनको डेप पूल की फैसिलिटी अवेलेबल होएगी। नाउ दीज आर द डेप पूल्स ऑन दीज टेरेसेस। नाउ अगेन ऑन द एट फ्लोर, एज यू सी दिस टेरेसेस आर गोइंग आर गेटिंग द सेट बैक ओवर देयर, एंड वी हैव द वी आल्सो हैव द डेप पूल ऑन दीज टेरेसेस। These setbacks create a very beautiful impact on the building facade. Now, this is the Jet Tower sales kit. Now, I'll explain you the layout plans of the apartments. This is the layout plan of a one bed apartment. This is the corridor, and when we enter from the corridor, so इसके अंदर हम living area में enter होते हैं। Right side पे हमारा एक अमेरिकन किचन डिज़ाइन है, और यहाँ पे हमारे पास पाउडर रूम है। नाउ वी हैव वन बेडरूम ओवर हियर, और बाहर हमें एक बहुत बड़ा और अच्छा लग्जरी स्टाइल का हमें टेरेस और बालकनीज मिल रही हैं। वी हैव वन अटैच बाथरूम विद इट, और हमारे यहाँ पे हमने एक वार्डरोब इसके साथ लिविंग में भी ऐड की है, जो कि हमारा हमारे शू रैक और कोट हैंगर्स और इन पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है। We have also wardrobes in the apartment. आपने normally अभी जिसका हमारे market में working हो रही है, तो बहुत कम square feet areas के ऊपर apartment designs किए जा रहे हैं, बहुत compact spaces हैं। हमारा जो project है ये एक बहुत luxury और spacious design है, और इसके अंदर हमने luxury को सबसे ज़्यादा importance दी है। Now this is a two-bed apartment. Two-bed apartment में when we enter into the corridor, तो हमने इसको अपने design को इस तरह से cater किया है कि हमने इसको दो parts में divide किया हुआ है। Like
प्राइवेट एरिया एंड द सेमी प्राइवेट एरिया। जब हम कॉरिडोर से एंटर होते हैं तो हमारा यहाँ पे दो बेडरूम अवेलेबल हैं। जब अगर यहाँ से फिर हम लेफ्ट पे लिविंग एरिया में एंटर हो जाते हैं, लिविंग एरिया में हमारे पास प्रोविजन है कि अगर हम घर को लॉक करना चाहें, और जिस तरह से इसके अंदर मैं पहले आपको लेआउट एक्सप्लेन करता हूँ, ये हम लिविंग एरिया में हैं। यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड पे वी हैव द अमेरिकन किचन, और ये लॉन्ड्री है, और ये मेड रूम है जिसको बाहर से डायरेक्ट एक्सेस है फ्रॉम द कॉरिडोर। इन केस अगर हम अपने घर को लॉक करना चाहते हैं, इन केस अगर लेट्स सपोज यू आर लिविंग अब्रॉड और वहाँ पे आपने प्रोविजन देनी है अपने सर्वेंट को सिर्फ कि वो घर को मेंटेन रखे, और आप घर लॉक करके जाना चाहते हैं, यू जस्ट लॉक द हाउस फ्रॉम दिस एंड, और आपका सर्वेंट आपका किचन और जो है आपका लॉन्ड्री एरिया को सिर्फ यूज़ करेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू गिव एक्सेस टू द सर्वेंट फॉर द लिविंग एरिया ऑल्सो, देन यू कैन लॉक योर हाउस फ्रॉम दिस। आप लिविंग के एरिया से इसको लॉक कर सकते हैं, और इस आप पूरा ये वाला एरिया सर्वेंट के यूज़ में या उसके मेंटेनेंस को मेंटेन रखने के लिए सर्वेंट के एक्सेस दे सकते हैं। इसके अंदर हमने हर बेडरूम के साथ अटैच बाथ प्रोवाइड किए हुए हैं, जिससे अपनी वॉशरूम्स आ रही हैं, और एक पाउडर रूम प्रोवाइड किया हुआ है, और इसी तरह से मेड का अपना डेडिकेटेड बाथरूम अवेलेबल है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो अपार्टमेंट डिज़ाइन होते हैं उसके अंदर लेट्स सपोज अगर टू बेड अपार्टमेंट है तो एक बेड के साथ बाथरूम अटैच कर दिया जाता है और बाकी एक इंडिपेंडेंट बाथरूम दे दिया जाता है जिसको कॉमन यूज़ किया जा रहा होता है। लेकिन हमारे डिज़ाइन में हर बेडरूम के साथ बाथरूम अटैच है, और इस टाइम ये आप देख रहे होंगे टू बेड अपार्टमेंट में हमारे पास चार बाथरूम अवेलेबल है। तो वी आर डिज़ाइनिंग इट ऑन अ लग्जरी एंड द स्पेशियस स्पेस प्लानिंग। Now this is the studio apartment. Studio apartment में जब हम अपने कॉरिडोर से एंटर होते हैं तो वी हैव अ स्पेशियस लिविंग एरिया हो रहे हैं, और लिविंग एरिया को वो एज पर योर ओन डिज़ायर्ड इंटीरियर्स आप उसको या अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ लिविंग एरिया, और यू कैन यूज़ इट एज अ बेड आल्सो, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। वी हैव अ मेटन किचन अलॉन्ग विद इट एंड वन बाथरूम which will be used for this purpose, and we और यहाँ पर हम इसको proper हर apartment को proper एक अच्छे size का balcony और terraces provide कर रहे हैं। जिस तरह कि मैं already आपको बता रहा था कि this is not only an apartment project, this is a lifestyle that we are providing to our customers, और इसको हम international standards पे design इसको design किया, और इसके designing जिस तरह मैं बता रहा था हमने बहुत detail में तो केवल 1.5 साल की effort के बाद इसको हमने design इसका lock किया, और इस time पाकिस्तान के बेस्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर और MEP इंजीनियर्स इसके बाकी सर्विसेज के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। नाउ कम टू द प्रोजेक्ट, दिस इज आवर लैंडर टावर विच इज़ आवर सेकेंड टावर विच वी आर गोइंग टू लॉन्च। लैंडर टावर इज द सेम लाइक द जेट टावर, बट इसके प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज है। लाइक इसके अंदर प्रोग्राम में हमारा वन बेड अपार्टमेंट, टू बेड अपार्टमेंट, थ्री बेड अपार्टमेंट और टू बेड डुप्लेक्स अपार्टमेंट, थ्री बेड डुप्लेक्स अपार्टमेंट एंड द फोर बेड डुप्लेक्स अपार्टमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं।